लखनऊ से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अमित शाह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उस पर सभी ने सर्वसम्मति से अपनी मोहर लगा दी है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ किंतु परंतु नहीं था, एक औपचारिक भर ये पूरी व्यवस्था आप कह सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ इस चुनाव को लड़ा गया और जिस तरीके से तमाम मिथक को तोड़ा, योगी आदित्यनाथ वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तैयारी करते हुए विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने रखा, जो कि प्रवेशक भी हैं, और उस पर मोहर लगा दी गई, यानी योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं बीजेपी विधायक दल के अंदर। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें हैं। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, अमित शाह मौजूद। हमारे सहयोगी और यूपी ब्यूरो हेड ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, इसको तो महज एक औपचारिक भरी माना जाएगा कि प्रस्ताव रखा गया और मोहर लग गई, लेकिन इससे बड़ा सवाल यही कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। बिल्कुल, देखिए यही औपचारिकता, इसी का इंतजार हो रहा था और ये वह जो औपचारिकता थी कि जहां पर योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना था। और हालांकि ये उनके बारे में एकदम तय था, क्योंकि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को लेकर जरूर अटकलें थी, क्योंकि वो चुनाव हारे हुए थे, लेकिन योगी की तस्वीर एकदम अलग थी कि बिल्कुल एक औपचारिकता ही लोग मानकर चल रहे थे और उसमें कोई शको शुभा नहीं थी। और अब 6 बजे के करीब राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर पेश करेंगे, सरकार बनाने की पेशकश करेंगे और उसके बाद ये औपचारिकताएं पूरी होते हुए कल एक भव्य समारोह राजधानी लखनऊ में इकाना स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और तमाम केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेस जगत के बड़ी हस्तियों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि इस मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होंगे इसको लेकर कई कयास लग रहे हैं, लेकिन अभी तक एक तरीके से काफी सीक्रेट ही रखा है अमित शाह की तरफ से, क्योंकि हमारी कुछ विधायकों से बात हुई, उनका कहना था कि इस पूरी प्रक्रिया को काफी अभी सीक्रेट रखा गया है, जैसे बीजेपी में प्रथा मोदी युग में हो गई है, लेकिन कई नाम है जिनको लेकर चर्चाएं हो रही है। पिछली सरकार में जो लोग शामिल थे, लखनऊ से ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन है, राजेश्वर सिंह ने इनका नाम चल रहा है, बाकी तमाम नाम है जो पिछली सरकार में भी थे, लेकिन इस बार कई सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि 11 मंत्री हारे हैं और उनमें से कई लोगों को परिषद और बाकी जगहों पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उनकी जगहों पर कई नए चेहरे हैं। अभी मरुण जैसे एक है, उनका नाम चल रहा है कि वो IPS अधिकारी रहे हैं, उनके लिए भी मंत्रिमंडल में एक उनको जगह मिल सकती है। तो तमाम जाति और क्षेत्रीय संतुलन में जो समीकरण है, ज्ञानेंद्र जी, क्या केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कोई कंफर्मेशन? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सूत्रों के मुताबिक पहले ये था कि उन्होंने सिरासी सीट गंवा दी थी, पल्लवी पटेल के हाथों में समाजवादी पार्टी की टिकट से लड़ी थी, लेकिन आप ये था कि ये तय हो रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी में काफी उनकी अहमियत है और उनके आने वाले जो चुनौतियां हैं उनके लिए भी काफी जरूरत है, और इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और डिप्टी CM के बाकी नामों को लेकर वहां वो के हालात रहे हैं, क्या लग रहे हैं कि दिनेश शर्मा को लेके बजाय तमाम दूसरे नामों पर भी चर्चा हुई है, ब्रजेश पाठक का भी नाम सामने आया है, इसके अलावा श्रीकांत शर्मा के नाम को भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के लिए सुरेश खन्ना के नाम का को लेकर एक चर्चा काफी जोरों पर है और ये सारी तस्वीर कल स्पष्ट होगी, जहां पर मंत्री जो लोग बन रहे हैं उनके पास देर रात या कल सुबह तक न्योता पहुंच जाएगा और वो क्योंकि लखनऊ सारे लोग आ ही चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे, अमित शाह संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। चलिए ज्ञानेंद्र जी, महिला प्रतिनिधित्व आपको इस मंत्रिमंडल में कितना दिखाई दे रहा है? तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, कल एक बड़ा समारोह होना है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, बाकी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे और बीजेपी की वो लीडरशिप मौजूद रहेगी जो बीजेपी के नाम से पहचानी जाती है।
एक बड़ा समारोह जिसके जरिए 2024 की रूपरेखा को खींचा जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने यूपी को जीत लिया उसने दिल्ली में सरकार बना ली। और सहयोगी दल अपना दल तानिशाद राज पार्टी के इस विधायक दल की आज की इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, सह पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मान्य श्री रघुवर दास जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यासी सिंह पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी के रूप में जिन्होंने 5 वर्षों तक निरंतर प्रदेश में सुरक्षा सुशासन की स्थापना करने में अपना योगदान दिया, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील वंशल जी, सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायकगण, विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय गृह मंत्री जी का, सहप्रवेक्षक और पूरी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। मैं आभारी हूं आप सबका। इस प्रस्ताव का यहां पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और विधायक दल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, लगातार 8वीं बार 9वीं बार शाहजहांपुर से विधायक चुने गए और माननीय सुरेश खन्ना जी के प्रस्ताव पर श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने, श्रीमती बेबी रानी मौर्या जी ने,
श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी ने, श्री सुशील साक्य जी ने, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के साथ ही आप सब ने सर्वानुमति से इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे तो पहली बार हुआ है और यह संभव हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका यशस्वी नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे उन्होंने उस समय संगठन की जो एक मजबूत नींव प्रदेश में रखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके व्यापक दौरे और 2014 में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2017 में विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से एक एक योजना को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित करने के जिस भाव के साथ यह अभियान प्रारंभ हुआ, सरकार और संगठन का बेहतर समन्वय, एक एक अभियान के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है जनता जनार्दन ने, उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। जो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कानून का राज हो इसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सबके ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उसके परिणाम भी आए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में व्यापक निवेश हुए, उत्तर प्रदेश में रिफॉर्म की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी सुशासन की बात हो सकती है और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेताओं का और एक अभिभावक के रूप में समय समय पर जिस रूप में
बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, वो हम तभी संभव हो पाया, अन्यथा हम तो अनगढ़ लोग थे, कोई भी जानकारी नहीं थी। एक सांसद के रूप में हर व्यक्ति जान सकता है, एक सांसद अपनी बात को रखता है, संसद में रख सकता है, लेकिन शासकीय कार्य कैसे संपादित होने हैं, प्रशासन की व्यवस्था का संचालन कैसे होना है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को जब हम एक सांसद के रूप में रहते तो अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, लेकिन जब एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमें कार्य करना हो तो उस समय अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में करना है, यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस रूप में किया जाना चाहिए, यह एक एक बात को समय समय पर जिस प्रभावी ढंग से लागू करने में हमें मदद मिली, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में, या स्वयं की कोई योजना तो होती नहीं थी लेकिन केंद्रीय योजनाओं को भी लागू करने में जिसकी भूमिका सबसे पीछे होती थी, जिसके कारण केंद्रीय योजनाएं देश के अंदर कहीं ना कहीं उनके मार्ग में उत्तर प्रदेश एक बैरियर दिखाई देता था, आज उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में है उन योजनाओं को लागू करने में। और इसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर न केवल केंद्रीय योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। लोगों को पहली बार लगा कि गरीब का घर भी बन सकता है, पहली बार लगा कि पैसा सीधे गरीब के खाते में जा सकता है, पहली बार लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सकते हैं, पहली बार लगा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बन सकता है, और पहली बार लगा है कि गरीब को भी फ्री में उत्तर प्रदेश के अंदर राशन प्राप्त हो सकता है। कोरोना कालखंड में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिलना, केंद्र शासन की ओर से भी और राज्य शासन की ओर से भी एक सपना था, क्योंकि यहां पर तो खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, लेकिन आज प्रत्येक नागरिक को तकनीक का उपयोग करके, जिस तकनीक के लिए प्रधानमंत्री जी का बार बार जोर रहता था, आज उस गरीब को उस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। और हमने देखा इस पूरे चुनाव में सचमुच जनता भले ही प्रतिक्रिया व्यक्त न करती हो लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब जरूर देती है, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ सबका विश्व सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। और जनता जनार्दन ने, आपने देखा होगा गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो, या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन दे करके सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया, और जिसका परिणाम है कि 2/3 से अधिक समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सहयोगी दल के साथ आज फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, सत्ता प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, हम सब की परीक्षा के दौर से आगे बढ़ने के लिए भी हमें
सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। यह परीक्षा हम जनता जनार्दन की अदालत में कितने अपने आप को खरा उतार सकते हैं। योजनाओं का लाभ बेहतर समन्वय के माध्यम से और डबल इंजन की सरकार का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र था उसको जनता ने खुले हृदय से अपना समर्थन किया है, खुले हृदय से उसको अंगीकार किया है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन योजनाओं को हर एक तक पहुंचाना, तकनीक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 80,000 राशन कोटि की दुकान में ई पॉस मशीन का लग जाना, उन गरीबों तक राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाना, जनधन अकाउंट में करोड़ों बैंक के खाते खुल जाना, भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ जाना, और इन सभी को जब हम आगे लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रतिस्पर्धा, पहले कुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी और उसके लिए तैयार होना, उसके लिए तैयार होना, उस सुशासन की स्थापना उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प दिया है देश के सामने, जिस प्रकार का शासन देकर के देश की और दुनिया के अंदर आज लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी छू रहे हैं अपनी कार्यों के माध्यम से, अपनी कर्मठता के माध्यम से, अपने देश की सुरक्षा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारत को दुनिया के महाशक्ति के रूप में स्थापित करने को लेकर के, और यही संकल्प देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अगर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है यह देश के विकास में सहायक बनता है। आखिर देश की छठी आबादी यानी 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, और 1/6 की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करने के बाद इस 6 करोड़ जनता के लिए, हमें याद है जब पहला बजट हमें प्रस्तुत करना था, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। उन्होंने कहा योगी जी देखिए यूपी जैसे राज्य की का बजट 2 लाख करोड़ का हो कैसे आप लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे, लेकिन इसके लिए 2 कार्य करने पड़ेंगे, राज्य की आय को बढ़ाना पड़ेगा और खर्च के दायरे को भी बढ़ाना पड़ेगा जिससे हर गरीब तक शासन की योजनाएं पहुंच सके। और हम लोगों ने 2 लाख करोड़ से बढ़ा करके 6 लाख करोड़ तक उत्तर प्रदेश की बजट को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का कार्य पहले 5 वर्ष के इस कालखंड में, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे सामने चुनौती के रूप में थी, उस पर भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाया है, ये दोगुने से ज्यादा हुई है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की